हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, और वो है सूजी का चिला, जिसे हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे और साथ में इसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए आज की इस आसान और हेल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सूजी का चिला बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने एकदम बारीक वाली सूजी ली है। फिर डालेंगे इसमें 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे दही और साथ में डालेंगे 1/2 कप पानी। तो पहले दही, सूजी और पानी को अच्छे से मिला देंगे। अभी बैटर बहुत ही थिक है, इसलिए इसमें मैं 4 चम्मच पानी और मिला रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद बैटर को हमें ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। बीस मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल गई है, जिसकी वजह से बैटर पहले से ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इसलिए बैटर में थोड़ा सा पानी मिला के बैटर को थोड़ा सा पतला कर देना है। इसके बाद बैटर में हम मिलाएंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, या फिर आप बेकिंग सोडा की जगह 1/2 चम्मच इनो भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिला देंगे। अब बारी आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में मैं मिला रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और पत्ता गोभी। सब्जियाँ आप बैटर में अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, और आप बैटर में इन सब्जियों के अलावा फ्रेंच बीन्स और बीटरूट भी डाल सकते हो। फिर फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च मिला रही हूँ। फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरा लहसुन डालेंगे, अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और मसालों में मैं इसमें 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला रही हो, या फिर आप इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी मिला सकते हो। तो अब सब्जियां डालने के बाद बैटर थोड़ा सा ठीक हो गया है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इडली और डोसा के बैटर जैसी रखनी है। आप चाहे तो इसके अप्पे भी बना सकते हो। अगर आप अप्पे बनाने वाले हो तो बैटर को थोड़ा ठीक रखें। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा रेडी है। अब चलते हैं चिला बनाने की प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, आप इसे नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हो। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है। फिर 2 बड़े चम्मच बैटर लेके इसे हमें इस तरह से स्प्रेड करना है, और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो आप इस तरह से मीडियम साइज के 1-1 चिला भी बना सकते हो, या फिर आप नॉनस्टिक तवे पे एक ही बारी में छोटी छोटी साइज के 2 या 3 चिले भी बना सकते हो। फिर जब चिला एक साइड से पक जाए तब उसे हमें पलट देना है, और इसे हमें बीच बीच में हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और दोनों साइड से इसे अच्छे से पकाना है। अगर यहाँ पे आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया हो और इस चीले अच्छे से बन ना पा रहे हो, तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच बेसन मिला सकते हो, क्योंकि बेसन मिलाने से किसी भी बैटर में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। अब इसका कलर दोनों साइड से हल्का चेंज हो गया है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है, इसे हम निकाल देंगे। तो ये हमारा चिला बनकर तैयार है। तो सेम प्रोसेस से हमें बाकी के चिले भी बना देने हैं। तो आप 1 कप सूजी से बहुत सारे चिले बना सकते हो। तो लग रहे हैं ना चिले एकदम मज़ेदार और साथ में एकदम कलरफुल भी। अब चलते हैं इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। चिले आप ऐसे ही खा सकते हो, या फिर आप इन्हें केचप, ग्रीन चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चिला तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज किए हैं, इसलिए एकदम क्रंची और टेस्टी बने हैं।
प्लस इसमें हमने दही यूज़ किया है, इसलिए ये अंदर से एकदम सॉफ्ट भी बने हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।